हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि केमिस्ट्री के चार्ट पेपर पर आपको कौन सी चीज़ें बनानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, और ये केमिस्ट्री का वाइवा होता है उसमें से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ें आपको वीडियो के साथ साथ यानी कि चार्ट पेपर भी आपको बता दूंगा कैसे बनाना है, और उसके साथ साथ ये भी बता दूंगा क्वेश्चन भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिएगा। वीडियो मात्र 1.5 मिनट की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताया हूँ इस वीडियो में नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो नाइट्रोजन बनाने की सबसे छोटी विधि है, और यहाँ पे जो है ये जो उपकरण वगैरह यहाँ पे दर्शाया गया है, ये बहुत ही कम चीज़ें बनानी है। बहुत सी चीज़ें, एथिल अल्कोहल है, डाई एथिल ईथर है, एसीटोन है, इसमें बहुत सारे उपकरण बनाना है आपको चार्ट पे, यानी कि बहुत सारा ब्यौरा है उसमें, लगभग 1-2 घंटे लग जाएंगे इसमें। बहुत ज़्यादा 20 से 30 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स, अच्छी प्रकार दर्शाने के लिए 20 से 30 मिनट में आपका पूरा चार्ट पेपर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे जो जो क्वेश्चन उपकरण लगे हैं, इस उपकरण को आपका नाम भी लिखना पड़ेगा और इस उपकरण के बारे में आपको जानना पड़ेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो परखनली को उल्टा बीकर, तो फ्रेंड्स ये जो बीकर की तरह दिख रहा है ये परखनली है, इसमें उल्टा परखनली को दर्शाया है जिसमें ये नाइट्रोजन गैस भर सके। और यहाँ पे जो है यहाँ पे गर्म किया जा रहा है, यानी कि सोडियम नाइट्राइड को और यानी नवसादर को गर्म करने पर NaCl प्लस N2 प्लस H2S2O, ये समीकरण को आपको याद करना है। पेपर में वाइवा में पूछ देते हैं कि आप बनाए क्या हैं और बनाने के बाद ये चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में यही है, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए।